हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन ऑफ़ द करंट अफेयर्स आज का हमारा टॉपिक है पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है करंट अफेयर्स एट डबल नाइन और मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया मुझे यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको डेली बेसिस में करंट अफेयर्स और मेरी हर वीडियो की पी मिल जाएगी तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्पेसिस इज कन्फाइंड टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ओनली द स्पेसिस फाउंड इज़ इन रिवर लेक्स एंड पॉन्ड विद मड और सैंड बॉटम्स और इसकी थर्ड स्टेटमेंट है द टर्टल इज़ नियर थ्रेटेड इन द आई यू सी एन रेड लिस्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ आर करेक्ट वन एंड टू ओनली टू ओनली टू एंड थ्री ओनली या वन टू थ्री गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज के टॉपिक में मिल जाएगा पर इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसका आंसर तब तक तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक आज का टॉपिक है पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल जैसे आपको टाइटल से ही पता चल रहा है और मैंने ये जो फ़ोटो लगाई है इससे आपको पता चल रहा है कि टर्टल के ऊपर जो शेल है वो पीकॉक के पंखों की तरह ही है तो आज हम देख लेते हैं ये क्यों न्यूज़ में है रिसेंटली पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल अ टर्टल ऑफ अ वलरेबल स्पीसीज हेज़ बिन रेस्क्यू फ्राम अ फिश मार्केट इन आसाम सिल्चर ये जो आप देख रहे हो टर्टल है ये ये वलरेबल है ये वलरेबल आई यू सी एन रेड लिस्ट में जो आता है ये वलरेबल स्पीसीज में आता है इसको रेस्क्यू किया गया असम से तो अब गाइज हम देखते हैं कि इसकी की पॉइंट्स क्या क्या है और इसका साइंटिफिक नेम साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है यू पी में या फिर यू पी में भी ये पूछा जाता है कि इसका किसी भी मतलब स्पेसिस देते उसे पूछते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो इसका याद रखना नील सोनिया हरम इसका नाम है और हैबिटेट्स ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो दिस स्पेसिस इज़ कन्फाइंड टू इंडिया बांग्लादेश एंड पाकिस्तान यहाँ रखना ये ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं बांग्लादेश में पाए जाते हैं और पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो तो करेक्ट हो गई कि ये इंडिया में पाए जाते हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अब ये इंडिया में कहाँ पाए जाते, है, in, जाते हैं मैक्सिमम इन इंडिया इट इज़ वाइड स्प्रेड इन द नॉर्थन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टीनेंट ये ज़्यादातर इंडिया के नॉर्थन और सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं दीज आर फाउंड रिवर्स स्ट्रीम्स लेक्स एंड पोंड विद मड और सैंड बॉटम्स गाय जो इसकी सेकेंड स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की वो भी सही होगी कि ये मैक्म रिवर्स में स्ट्रीम्स में लेक्स में पॉन्ड विद मड और सैंड बॉटम्स में मिलते हैं अब इसका थ्रेट क्या है इसको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान है इसकी स्पीसीज अगर कम होती है तो उसका मेन रीज़न क्या है तो उसका मेन रीज़न है द प्लेस इज़ हैविली एक्सप्लाइटेड फॉर इट्स मीट मैक्सिमम इसके मीट के लिए इसको लोग आ, मारते हैं या फिर इसकी पोचिंग होती है क्योंकि लोग इसको मार के खाना खाने के लिए इसकी ज़्यादातर पोचिंग की जाती है अब कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू के स्कड्यूल वन में आता है कि हाई प्रोटेक्शन और स्केड्यूल वन में क्या है हाई प्रोटेक्शन और हाई uh, प्रोटेक्शन और हाई पेनल्टीज um, ये स्केड्यूल वन और टू दोनों में यही आता है बट ये स्केड्यूल वन में आता है और ये आई यू सी एन रेड लिस्ट में वलरेबल है वहाँ पर था ना नियर थ्रेटन तो वो वाली स्टेटमेंट गलत होगी इसकी क्वेश्चन की और ये वलरेबल में आता है अब ये साइट्स की फुल फॉर्म क्या है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फना एंड फ्लोरा तो इसकी ये क्या है अपेंडिक्स वन गाइज हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया हम आज के क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने, थी, guys, जो हमने question, पढ़ी थी एक गाइज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी द स्पीसीज इज़ कन्फाइंड टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑनली ये कि इंडिया में पाए जाते हैं पाकिस्तान में पाए जाते हैं और बांग्लादेश में पाए जाते हैं तो ये स्टेटमेंट सही थी सेकंड थी द स्पीसी फाउंड इन रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ट्स विद मड और सैंड बॉटम्स ये भी स्टेटमेंट सही थी अब आया थे द टर्टल स्पेसिस इज लिस्टेड एज अ नियर थ्रेटन इन द आयू रेड लिस्ट बट ये नियर थ्रेटन ये वाला ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये वलरेबल है तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो